बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेजिनरी नंबर पर। तो आपने अगर पिछले सीक्वेंस में लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो नंबर था हमने उसको दो हिस्सों में, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। एक का नाम था इंटीजर और दूसरे का नाम था डेसिमल। डेसिमल की भी आगे फर्दर टाइप्स थी, इंटीजर की भी फर्दर टाइप्स थी। इंटीजर को हमने पॉजिटिव देखा कि इंटीजर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। फिर उसके बाद कुछ और इसके अंदर कुछ नंबर जो थे ये आ गए थे और ये रियल की कैटेगरी में है सारे के सारे, जिसमें नेचुरल नंबर आ गए थे, उसके बाद होल नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है। ये सारी हम लोगों ने इसकी लिस्ट वन बाय वन करके उसको जो है वो देखा। फिर डेसिमल में अगर हम देखें तो उसमें रैशनल और इरेशनल आ जाते हैं। वो अलग बात होती है कि इंटीजर जो होता है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। हर इंटीजर जो होता है वो एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि उसको पी बाय क्यू फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है। तो दैट्स वाई। तो जो डेसिमल है वो रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कुछ होते हैं डेसिमल में जो कोई नंबर आप डिवाइड करो और वो टर्मिनेटिंग हो जाए। अगर कोई टर्मिनेटिंग है तो फिर वो भी रैशनल होता है। अगर कोई टर्मिनेटिंग है, नॉट टर्मिनेटिंग है और लेकिन वो रिपीटिंग है, तो वो भी रैशनल होता है कि वो रिपीट करते हैं, एक खास पैटर्न बनाता है। और अगर कोई नंबर स्पेसिफिकली जो है वो ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना वो रिपीट है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो वो इरेशनल नंबर होता है। यहाँ तक हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं, तो उसको थोड़ा सा एक रिकैप अगर आप उसमें देखें तो चीज़ें आपको समझ आएंगी। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी टाइप कैटेगरी जो कि इमेजिनरी है। अब तक हम रियल को कंप्लीट कर चुके, अब हम देखते हैं इमेजिनरी, और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, और यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वो आज का एंड हो जाएगा। आइए इसमें देखते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी यानी कि जो कि रियल नहीं, इमेजिन होता है ना, जैसे इमेजिनेशन होता है, तो इसी तरीके से इमेजिनरी है, यानी ये रियल नहीं है। अ नंबर विच इज नॉट अ रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। यानी ऐसा नंबर जो रियल नंबर नहीं होता तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। जैसे हम कहते हैं ना रैशनल नहीं है तो इसका मतलब इरेशनल है, और इरेशनल नहीं है तो वो रैशनल है। अगर जब हम ये कह देते हैं कि प्राइम नहीं है तो इसका मतलब फिर वो कंपोजिट है, और कंपोजिट नहीं है तो फिर वो प्राइम है। मीन्स कि अगर सिर्फ ये दो ही ऑप्शन दी जाए, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो ओवरलैप नंबर करते हैं, यानी सपोज करें कि एक नंबर प्राइम भी हो सकता है, साथ वो आपके पास इवन भी हो सकता है। जैसे टू है, टू इवन भी है और टू प्राइम नंबर भी है। कुछ नंबर ऐसे हो सकते हैं कि जो आपके पास इवन हो सकते हैं और वो साथ कंपोजिट भी हो सकते हैं। जैसे फोर है तो आपके पास वो इवन नंबर भी और कंपोजिट भी, तो यानी कुछ ओवरलैप करते हैं। जरूरी नहीं कि एक स्पेसिफिक नंबर किसी एक ही कैटेगरी में फॉल करेगा, वो एक ही नंबर बहुत सारी दूसरी कैटेगरीज में भी फॉल कर सकता है। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये नहीं है तो ये, तो इसका मतलब हमें सिर्फ ये दो ऑप्शन दिए गए हैं कि इन दोनों में से एक को चूज करना है। तो अगर कोई रैशनल है तो फिर वो इरेशनल नहीं है, इरेशनल है तो फिर वो रैशनल नहीं है, इमेजिनरी है तो फिर वो रियल नहीं है, और रियल है तो इमेजिनरी नहीं है। तो मीन्स के इस तरह करके हम इसको देखते हैं। जब इंटीजर है तो फिर वो डेसिमल नहीं है, और डेसिमल है तो फिर वो इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे के मुतजाद हैं, उल्टे हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे जो इमेजिनरी नंबर है वो कौन सा नंबर है जो रियल नहीं होता। रियल को हमने डिटेल में देखा सारों को, इमेजिनरी को देखते हैं। इमेजिनरी नंबर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन से मतलब कोई भी कैलकुलेशन आपकी हो सकती है, यानी कोई आपके पास जैसे हम इक्वेशन लिख देते हैं, या कोई भी आपके पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह, या कोई अंडर रूट, या ऐसी कुछ एक्सप्रेशन हो सकता है। एक्सप्रेशन विच इज अनडिफाइंड। इमेजिनरी नंबर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट एक्सप्रेशन विच इज अनडिफाइंड। ऐसे एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि अनडिफाइंड हो, मतलब जिसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता, जिसका रिजल्ट नहीं आता। कैलकुलेटर भी रिजल्ट छोड़ जाता है। आप वो यहाँ पे बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टू रिप्रेजेंट स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रूट होता है ना अंडर रूट, ये वाला, ऑफ नेगेटिव नंबर सच एज -25 अंडर रूट। अब आपको पता है कि नेगेटिव का अंडर रूट नहीं होता, नेगेटिव का स्क्वेयर रूट नहीं होता, पॉजिटिव नंबर का होता है। पॉजिटिव नंबर का जो है वो स्क्वेयर रूट होता है। जैसे 25 है, 25 का 5 आएगा, लेकिन -25 का तो -5 नहीं आएगा, -25 का -5 नहीं आएगा उसकी। अब नहीं आता है तो इसका मतलब है कि इसको हम क्या आगे कुछ प्रोसेस कर सकते हैं। हाँ, इसको प्रोसेस किया जा सकता है। इसको प्रोसेस करने के लिए हम एक इमेजिनरी यूनिट, जिसको हम आयोटा कहते हैं, आयोटा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसको हम यूज करेंगे। और उसकी एक खास वैल्यू है आयोटा की, वो क्या है असल में, यही आयोटा जो है एक नंबर को इमेजिनरी नंबर बनाता है। आइए देखते हैं, वो कहता है एज द स्क्वेयर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर के नॉट बी कैलकुलेटेड। हमें पता है कि नेगेटिव नंबर कोई भी है तो उसका स्क्वेयर रूट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। दस वी मेक द यूज ऑफ आयोटा, दिस इज द इमेजिनरी यूनिट। आयोटा इज द इमेजिनरी यूनिट कि नेगेटिव वो अभी किसको रिप्रेजेंट करता है, आगे वो बात आ रही है। टू डील विद सच नंबर, ऐसे नंबर के साथ डील करने के लिए हमें आयोटा का इस्तेमाल करना पड़ता है। वेयर
अंडर रूट माइनस वन इज रिप्रेजेंटेड बाय आयोटा, जो कि आई, ये इटैलिक आई, हम स्मॉल इटैलिक आई जो है इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसकी वैल्यू होती है, यानी आयोटा की जो वैल्यू है वो माइनस अंडर रूट वन है, या माइनस अंडर रूट वन जो होता है वो आयोटा के इक्वल होता है, या आयोटा जो है वो माइनस अंडर रूट वन के इक्वल होता है। अब जब ये हमें एक्सप्रेशन मिल जाता है ना कि हम इसको एक खास यानी एक सिंबल से रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं, तो जिसके साथ फिर ये सिंबल आ जाएगी वो उसको इमेजिनरी नंबर बना देगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ y इज इक्वल टू माइनस फोर अंडर रूट। अब आपको पता है चूंकि नंबर नेगेटिव में है तो इसका मतलब कि इसका अब जो स्क्वायर रूट है वो तो नहीं आ सकता, 4 होता तो उसका 2 आ जाना था, लेकिन माइनस फोर है तो उसका माइनस टू नहीं आएगा, ये तो बात सीधी सी है, तो इस तरह नहीं होता है। तो वी कैन नॉट कैलकुलेट इट्स स्क्वायर रूट, दस वी वुड मेक द यूज ऑफ द आयोटा टू डील विद दिस। इसके साथ डील करने के लिए हमें जो है वो आयोटा का यूज जो है वो करना पड़ेगा कि आयोटा हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, माइनस फोर अंडर रूट आपके पास अगर इसके है तो हम क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू जो लिखा हुआ है ना, इसको हम ये कर सकते हैं कि हम वाई इज इक्वल टू लिख के और अंडर रूट में जो माइनस फोर था इसको हमने कर दिया फोर मल्टीप्लाई, एक्स जो है ये असल में मल्टीप्लाई के सिंबल है माइनस वन, ऐसा हम कर सकते हैं ना, यानी चार को माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का चार आएगा, इस तरह इसको लिखा जा सकता है। तो इसको फिर यूं भी किया जा सकता है कि अब माइनस जो वन है, अब ये होल है ना इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा, तो अलग अलग उनको लिखा जा सकता है, तो मीन्स के ये आपके पास किस तरीके से आ जाएगा कि ये फोर जो है अंडर रूट ये अलग हो जाएगा और माइनस का वन जो है ये अलग हो जाएगा। अब जब इस तरीके से इसको किया जा सकता है तो मीन्स के अब जो माइनस वन का अंडर रूट है वो किसके इक्वल है, वो आयोटा के इक्वल होता है आयोटा, तो अब इस माइनस वन अंडर रूट की जगह हम आयोटा ये जो आई है ये लिख देंगे। अब यहीं पे ये एक इमेजिनरी नंबर बन गया, ये जो अंडर रूट फोर आई है आयोटा, असल में ये एक नंबर जो है वो एक इमेजिनरी नंबर कहलाएगा क्योंकि इसके साथ इमेजिनरी यूनिट आ रहा है। अब हम कंप्यूट कर सकते हैं क्योंकि अंडर रूट फोर है ये अब 2 के इक्वल होता है, तो इसको हम y इज इक्वल टू 2 आयोटा लिख सकते हैं, यानी y इज इक्वल टू माइनस फोर अंडर रूट जो है इसको y इज इक्वल टू 2 आयोटा इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है। यहाँ पे इसके साथ कुछ मजीद जो इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन बेसिक आपने याद रखनी है कि आयोटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन अंडर रूट होती है। तो आयोटा इज अ नंबर हुज स्क्वायर इज माइनस वन, आयोटा एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर माइनस वन होता है, क्योंकि अगर आप आयोटा का इस तरफ स्क्वायर ले लें, इस तरफ स्क्वायर ले लें, तो क्या हो जाएगा कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, माइनस वन के इक्वल होगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इससे आगे आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, बहुत सारी पावर्स वगैरह आप कंप्यूट जो है वो कर सकते हो, कोई भी पावर आ जाए इस तरीके से, तो इसको इन प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए हम आगे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो एक एडिशनल चीज़ है जो कि शायद मेरे ख्याल में आगे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक तक यहाँ तक इसको समझाना मकसद था। आयोटा स्क्वेयर जो होगा वो माइनस वन के इक्वल होगा, और आयोटा की पावर जो जीरो होती है, चाहे आयोटा है, हमें पता है कि जिसकी भी पावर जीरो हो, व्हाट सो एवर दैट इज इमेजिनरी यूनिट हो या कोई भी हो, तो वो वन के इक्वल होता है। तो आयोटा की पावर जीरो जो है वो आपके पास वन के इक्वल है, आयोटा का जो स्क्वायर है वो माइनस वन के इक्वल है, और उसके अलावा है तो माइनस वन अंडर रूट होता है वो आयोटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये जीरो की पावर वन क्यों है, बिकॉज द जीरो डिग्री ऑफ एनी नंबर इज वन, आयोटा इज कॉल्ड इमेजिनरी यूनिट, जो आयोटा होता है इसको इमेजिनरी यूनिट कहा जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ लगी होगी, यानी जिसके साथ भी आसान हम करें तो हम कहते हैं कि जिसके साथ भी आयोटा आएगा तो वो आपका नंबर जो होगा वो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, यानी इमेजिनरी यूनिट की वजह से इस पूरे को हम कहते हैं कि ये एक इमेजिनरी नंबर है। लेकिन वो अलग बात होती है कि ये जो आई है आयोटा है ये इमेजिनरी यूनिट है, और इसके साथ इमेजिनरी यूनिट के साथ आने वाला जो नंबर है वो एक रियल नंबर ही होता है। तो ये एक रियल नंबर है इसके साथ आने वाला नंबर। एनी हाउ, ये था जी टॉपिक इमेजिनरी के हिसाब से। अब आते हैं हम बिल्कुल लास्ट पे, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ये बिल्कुल इसके साथ जुड़े हुए हैं रियल और इमेजिनरी के साथ। असल में कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं कि ये कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का। जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन है उसे हम कहते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर दैट्स फॉर्म द कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बेसिक सादा सी डेफिनेशन है, तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं, यानी जहाँ पे रियल पार्ट भी आ जाएगा एक नंबर के अंदर और एक इमेजिनरी पार्ट भी आ जाएगा, तो वो एक पूरे को हम क्या कहेंगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो होगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा।
ए प्लस बी आयोटा, जिसमें ए और बी रियल नंबर है और आई इमेजिनरी यूनिट है। यानी इस फॉर्म, ये एक तरह की जैसे होते हैं ना क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये एक तरह की एक्सटेंडेड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि यानी एक रियल पार्ट होगा और साथ एक इमेजिनरी पार्ट होगा, तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बात आपको लगी हुई समझ, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर, यहाँ पे ए और जो बी है ये रियल नंबर है, ए एंड बी आर रियल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए कि जैसे सी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 + 5 iota, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो डेफिनेट सी बात है, क्योंकि ये है इसका रियल पार्ट और ये है इसका इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट दैट इज इक्वल टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर इज इक्वल टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी रियल नंबर और जो आपके पास इमेजिनरी नंबर होता है वो मिलते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर जो है वो मिलेगा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होगा, जिसमें एक पार्ट ये रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट में भी ये वाला जो है ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी यूनिट है उसका आयोटा जो है। तो यहां तक आपको समझ लगी होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसको मजीद अंडरस्टैंड करते हैं, कोशिश करते हैं इसको। क्वेश्चन है कि इज 2 iota अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अब ये क्वेश्चन है आपसे। अब आप इसको थोड़ा लंबे के लिए सोचो कि जो 2 iota है क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे एक रियल पार्ट होना चाहिए, अब ये है खाली इमेजिनरी पार्ट, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो इसका आंसर है यस, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्योंकि इसको लिखा जा सकता है कुछ इस तरह कि 2 iota इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन एज 0 + 2 iota, यूं लिखा जा सकता है। ये भी 2 iota ही आएगा ना, क्योंकि 0 आप इसमें ऐड करो या ना करो कितना आएगा? 2 iota ही आएगा, 2 iota आएगा, क्योंकि 0 + 2 iota इज इक्वल टू 2 iota, तो वो वही है। तो यानी 2 iota को 0 + 2 iota लिखा जा सकता है। और अब ये कैसे कॉम्प्लेक्स बन गया? क्योंकि ये देखो जो 0 है, 0 ये क्या है? ये एक रियल नंबर है, 0 रियल नंबर है, तो ये रियल पार्ट हो गया। उसके बाद ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट या कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इट मींस दैट 2 iota इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यानी आयोटा यानी एक इमेजिनरी जो नंबर होता है, इनफैक्ट वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हम कह सकते हैं कि जो इमेजिनरी नंबर होता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एवरी इमेजिनरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये एक इमेजिनरी नंबर था 2 iota। इसी तरीके से 5 iota आ जाए, 7 iota आ जाए, व्हाटएवर कोई भी आपके पास जिसके साथ आयोटा आ रहा है, एवरी इमेजिनरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को तो यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हर इमेजिनरी नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये बात यहां तक समझ लगी आपको। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज 5 अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सादा एक 5 नंबर है, 7 भी हो सकता है, 9 हो सकता है, एनी नंबर। तो 5 को आप जरा कंसिडर करें कि क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5। तो इसका आंसर है यस, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है? इस वो तो ये उसकी तो फॉर्म ही नहीं बन रही है, क्योंकि हमने तो कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो होता है ए प्लस बी आयोटा के इक्वल, यानी इसके साथ रियल पार्ट होना। इसका रियल पार्ट तो है लेकिन इसके साथ तो इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है, तो हम इसको क्यों कह रहे हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? इसको इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसका जो आंसर है वो ये है कि 5 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज 5 + 0 iota इज इक्वल टू 5। होता है कि नहीं होता? क्योंकि 0 iota से भी मल्टीप्लाई हो तो उसने 0 हो जाना है, तो जब 5 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5। तो इसका मतलब है 5 + 0 iota को 5 लिखा जा सकता है, तो 5 को 5 + 0 iota लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो नंबर है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका यहां से क्या नतीजा निकलता है कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी इमेजिनरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजिनरी एंड द रियल नंबर दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी एंड द रियल नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये एक इमेजिनरी नंबर है तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर है तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आखिर फिर फाइनल नतीजा क्या निकलता है? वो ये निकलता है, नोट दैट एवरी नंबर वी यूज इन द मैथमेटिक्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम मैथ में इस्तेमाल जो भी नंबर कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर है।
जो भी हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि दो ही तो नंबर है। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट पे जाएं, शुरू वाले लेक्चर अगर आप देखें, तो उसके अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि नंबर को हमने कहा था जी, एक नंबर होता है इमेजिनरी नंबर, एक होता है आपके पास रियल नंबर। फिर रियल नंबर में हमने सारे उसमें प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, उसके बाद है तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, उनको डिस्कस किया, डेसिमल को डिस्कस किया, तो पॉजिटिव नेगेटिव को देखा। तो ये सारे के सारे आपके पास जो नंबर है, ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि एवरी नंबर दैट वी यूज इन द मैथमेटिक्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो यही है कि नंबर सिस्टम जो है वो, उसके अंदर हम देखें कि नंबर कितनी तरह के होते हैं, तो नंबर एक ही तरह का होता है। ये हमने शुरू में बात की थी, वो है कि नंबर सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। वो अलग बात है कि हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। किसी को हम कहते हैं कि इमेजिनरी है, किसी को हम कहते हैं रियल है, फिर रियल के भी हम कहते हैं कि कुछ इंटीजर है, कुछ डेसिमल है, कुछ उसमें फिर हम बना लेते हैं जी रैशनल है, कुछ इरेशनल है, कुछ हम कहते हैं इवन है, ऑड है, प्राइम है, कंपोजिट है, इस तरह करके नेचुरल है, होल है। तो ये हम क्या करते हैं, उसको सिर्फ अपनी आसानी के लिए इन चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं। ओवरऑल एक ही नंबर है और वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। शुरू से बात यहीं से शुरू हुई थी और यहीं पर आके एंड हुई। तो यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ लगी होगी चीज़ें। अगर आपने पूरा नंबर सिस्टम के लेक्चर्स देख लिए हैं तो नंबर सिस्टम एटलीस्ट आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट्स में हमारे साथ अपनी राय जो है वो शेयर करें। और वीडियो अगर आपको मल्टीपीडिया की अच्छी लगी है, उसको ज़रूर आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी है तो उसको फिर आप डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।